रामलला सदन जिसका जिक्र अभी हो रहा है और जहां पर योगी आदित्यनाथ मौजूद है, यहां तमाम साधु संत हैं और ये अयोध्या में रहे इसी मिट्टी से बने साधु संत हैं, तो ये जानते हैं। और जब आप लोग चर्चा कर रहे थे तब वो रामलला सदन के बारे में यहां डिटेल में हमें जानकारी दे रहे थे, तो मैं चाहती हूँ कि एबीपी न्यूज के दर्शकों को आप बताइए, उसकी शैली थोड़ी अलग है हिंदुस्तान के और खासकर यहाँ उत्तर के मंदिरों से। जी आपकी आवाज आ रही है। रामलला सदन जहाँ ठाकुर जी विराजमान है, हमारे भगवान रामलला, उसी के कोने कॉर्नर पर ही है और वो द्रविड़ शैली में बना हुआ है। उसके विशाल गोपुरम को आप देखेंगे, बहुत ही सुंदर, और अंदर भगवान कोदंड भगवान श्री राम अंदर विराजमान है। और उत्सव मूर्ति एक, जब दिव्य देश बनता है, आचारी परंपरा में दिव्य देश का चर्चा है, जब दिव्य देश बनता है तो गोलाघाट पर विराजमान जो दिव्य देश है, वही दिव्य देश से वहां की उत्सव मूर्ति रामलला सदन में आकर, और संजोग देखिए कि वह दिव्य देश की उत्सव मूर्ति रहेगी। दक्षिण के कुछ लोग थे जो चाहते थे कि जो उत्सव मूर्ति हो वह राम जन्मभूमि में हो, लेकिन राम जन्मभूमि का अलग अभी निर्माण है, इसीलिए उत्सव भूमि उत्सव मूर्ति से क्या मतलब? मुझे लगता है कि ये जो अभी रामलला सदन में गए हैं मुख्यमंत्री जी, ये मेरा पर्सनल मानना है और मैंने सुना भी है साधु संतों के मुखारविंद से कि बहुत सारे साधु संत प्रण लेकर के बैठे थे कि जिस दिन भगवान से राम जन्मभूमि का स्तंभ स्थापित किया जाएगा उसी दिन मैं भी अपने मंदिर में भगवान को पधराऊंगा, ऐसे बहुत सारे साधु संत विश्व में थे। तो आज वो अयोध्या में भी है, अयोध्या में मुख्यमंत्री जी ने स्वागत किया है जिन्होंने ऐसा प्रण लेकर के रखा था, और बाकी विश्व में ऐसे कई बहुत सारे मंदिर है जहाँ पर आज भगवान को पधराया जा रहा है, भगवान का मंदिर बनाया जा रहा है। ये सदन के बारे में हमारे यहाँ मंदिरों की कई शैली है, जिसमें राम जन्मभूमि पर जो मंदिर बन रहा है वह नागर शैली में बन रहा है, और रामलला सदन जहाँ मुख्यमंत्री जी पहुँचे हैं वो द्रविड़ शैली का मंदिर है, उसका विशाल गोपुरम बहुत ही रमणीय और दर्शनीय है। अब जब रामलला की बात चली रही है तो बस एक राम धुन और उसके बाद, अच्छा आप बताइए। रूबिया जी, सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगा जो है अपने खान साहब को, ज्ञानवापी पर हम लोग लौट के चले। रामलला तो ये हो गया, रामलला का काम हो गया, रामलला जी आज से ही विराजमान हो गए। मेरा मानना है जैसा कि स्वामी जी ने कहा, पूरा विश्व इस घड़ी का, इस दिन का, इस समय का इंतजार कर रहा था, वो पूर्ण हुआ। पुनः हम आपको ज्ञानवापी पर ले जा रहे हैं। मैं तो खान साहब का स्वागत करता हूं, पूरे भारतवर्ष के खान साहब लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग आचारी हैं, हम लोग रामानुजी हैं, हम लोग शहर से इनका स्वागत करेंगे कि सब लोग आए मिल करके बैठ करके, ये हमारे हैं, हम इनको अपनाना चाहते हैं। जैसा आपने कहा, हम सभी लोग मिल करके ज्ञानवापी ही नहीं, भारत की जितने भी मंदिरों को तोड़ करके आक्रांताओं ने कार्य किया है उसको बनाने, उसको बचाने का समय आ गया है, और यह समय भगवान पूर्ण करने जा रहे हैं। ये आपका पूर्ण विश्वास है और आप चाहते हैं कि इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक पन्ने पर आ जाए सभी और ये बेहतर रहेगा। और इस पर और आगे मैं खान साहब आपसे राय लूं, उससे पहले एक राम धुन। जय सिया राम। आज हम आप सभी अयोध्या धाम में हैं, आइए एक छोटा सा प्रभु श्री राम की वंदना करूं, तत्पश्चात आप सभी को एक छोटा सा राम धुन सुनाऊं। लोकाभिराम राड रंग धीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारुण रूपम करुणाकरंतम श्रीरामचंद्रम शरणम प्रपादे। वीणा को बजाती मंद मंद मुसुकाती चा शारदा विशारदा को प्रथमा मनाऊ मैं करिखे फिर वंदना श्री अंजनी के नंदन को श्री सीताराम नाम गुण गाम आज गाऊ मैं श्री सीताराम नाम गुण ग्राम आज गाऊ मैं। तो आइए एक छोटा सा राम धुन। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम
जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। आप ऐसे ही गुनगुनाते रहिए, बस हम कुछ देर के लिए रुक रहे हैं लेकिन ये धुन नहीं रुकनी चाहिए। जय जय राम भक्तों के रखवारे पूर्णिया सिटी जानिए पूर्णिया सिटी शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। आपको पता होगा हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। बाबा ने भेजा है। कम हियर। क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर। जो तुम्हें यहां तक ले आया। क्यूरियोसिटी। ABP News, आपको रखे आगे।